हेलो दोस्तों, मेरा नाम देव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैकपेंटर में स्वागत है। तो आज की वीडियो हम जेरॉक्स 250 मशीन की सर्विस करेंगे। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो सैन कलम ना इंक फ्लाई हो गई है तो लेजर में डस्ट चली गई है, तो वहाँ पर कलर मिस आ रहा है। मैं आपको 12 नंबर प्रिंट दिखा देता हूँ। और अभी हमें अहमदगढ़ में लवली प्रिंटिंग प्रेस पे हैं, तो मशीन आपको दिखा देता हूँ। अभी ये मशीन है जेरॉक्स 250, ये पहले अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ। और 12 नंबर प्रिंट भी दिखा देता हूँ आपको मैं। ये प्रिंट है इसका, ये वाला। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये मिस आ रही है, ये आ रही है यहाँ पर। जब सैन की 10% 20% गोंड होती है तो वहाँ पर ये कलर मिस आता है हमेशा। सॉलिड कलर में नहीं पता लगता है, लेकिन भैया जो है बेडिंग कार्ड का काम करते हैं तो अभी उन्हें ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि भाई ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो आज हम इसका इस लेजर खोलेंगे और उसको क्लीन करेंगे। तो ये मशीन है, तो अभी हम आपको लेजर खोल के दिखाते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले हम लोग वाइप, ये जो डिस्प्ले है ना, इसको रिमूव करेंगे। इसके जो लॉक है, कनेक्टर को रिमूव करेंगे और डिस्प्ले को साइड में निकाल के रखेंगे। उसके बाद जो बाईपास है ना, इस बाईपास को रिमूव करेंगे, क्योंकि ये वाला कवर भी निकालना पड़ेगा और ये वाला भी हमें खोलना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। बाईपास को रिमूव करेंगे हम लोग। हुए नट एक यहाँ एक साइड, दोनों को रिमूव कर लिया है। अभी इसको रिमूव करेंगे बाईपास को। बाईपास रिमूव करने के बाद ये जो कवर है ना, ये वाला रिमूव करेंगे। कि इसमें दो स्क्रू होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, ये रिमूव करेंगे। तो अभी ये कवर हमने रख दिया निकाल के। उसके बाद ये वाला कवर रिमूव करेंगे। इसमें दो स्क्रू लगे थे, एक ये और एक ये, और एक इस साइड और एक इस साइड। ये वाला कवर रिमूव करेंगे। ये वाला कवर रिमूव करेंगे। ये डिस्प्ले होल्डर है, इसको रिमूव करेंगे। इसके नीचे लगे होते हैं कि ये स्क्रू होता है ये, और एक ये होता है, और दो इसके ऊपर होते हैं यहाँ पर, एक ये और एक ये और एक ये, एक ये। सब को रिमूव करेंगे। अभी करेंगे ये वाला कवर रिमूव, ये वाला, एक ये, एक दो स्क्रू होते हैं उसके, ये वाले के बाद ये वाला करेंगे। इस पे में एक ये और एक ये होते हैं, ये वाले दोनों कवर रिमूव करने पड़ेंगे। उसके बाद ये वाला कवर रिमूव करेंगे। इसमें एक ये स्क्रू होता है, एक ये होता है, और एक ये और एक ये। उसके बाद हम लोग जो स्कैनर की वायर है ना, इसको कनेक्ट करेंगे इस कनेक्टर को, क्योंकि स्कैनर की सप्लाई को हम लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं अभी हम। ये वाली जो है ना, ये कनेक्टर को, इस वाले कनेक्टर को रिमूव करेंगे, जिससे एरिया को इस कनेक्टर को सप्लाई जाती है। ये वाला, उसके अलावा ये वाला जो कवर है ना, इसको रिमूव कर। इसमें दो स्क्रू होते हैं, एक ये होता है, एक ये होता है, और दो नीचे होते हैं। यहाँ से देखेंगे वो आपको दिखेंगे नहीं प्रॉपर, ये एक ये होता है और एक ये होता है, दोनों स्क्रू को रिमूव करेंगे। इसके तरह रिमूव करेंगे। उसके बाद हम जब जो ये वाला सेक्शन है ना पूरा, स्कैनर और एडीएफ को दोनों को उठा के इस साइड में रख देंगे। तो अभी एडीएफ स्कैनर हमने ये रख दिया है, और ये रहा ऊपर का सेक्शन। तो अभी हम इस वाले कवर को रिमूव करेंगे। ये वाले, इसमें दो तीन स्क्रू होते हैं, ये और ये, इसको लूज करना है, रिमूव नहीं करना आपने। उसके बाद ये वाला जो होता है, इसको ढक्कन को इस तरह स्लाइड करेंगे अपनी तरफ और इसको उठा के रख देंगे। टोनर वाले कंटेनर हैं, एक दो तीन चार पाँच हैं, इन सबको रिमूव करेंगे यहाँ से। उसके बाद ये वाले लॉक दिख रहे हैं आपको, ये अंदर कर देंगे, और ये। उसके बाद ये प्लास्टिक कवर रिमूव करेंगे, ये और ये। इसमें दो स्क्रू यहाँ पर होते हैं और दो यहाँ होते हैं। ये वाला कवर रिमूव करेंगे,
ये वाला इस तरीके से, एक ये है और एक ये। तो हमें करना है सियान का लेजर क्रीम। तो ये वाला सियान का है, ये वाला येलो मजेंटा का है, ये सियान ब्लैक का है। तो अभी हम सियान का करेंगे। इस लेजर के भी तीन स्क्रू होते हैं, एक ये होता है और एक इस साइड होता है और एक साइड होता है। उससे पहले ये लेजर के पत्ते के लॉक है, इनको थोड़ा प्रेस करके रिमूव कर दो यहाँ से। एक ये और एक ये होता है और एक ये होता है और एक ये। तो अभी हमें लेजर रिमूव करके वहाँ रख दिया है, ये रहा यहाँ पर। तो अभी हम इसको क्लीन करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी इंक फ्लाई होकर यहाँ पर आ गई है, तो इसको वाइप से क्लीन करेंगे। तो ये टिश्यू पेपर और ये वैप। तो अभी हमने लेजर की जो लाइन थी ना, ये वाला लेजर में, इसमें सियान में ये वाली लाइनें आ रही थी, यहाँ पर ये आ रही थी, और इसमें वाले ना ये वाली हमने क्लीन कर दी। लेजर खोल के जो क्लीन किया था ना, तो भाई ये वाली लाइन ना रिमूव हो गई है। ये देख लो प्रॉपर सियान आ रहा है अब, यहाँ पर थे यहाँ पर ऐसे थे ऐसे, और इसमें भी इसमें यह लाइनिंग आ रही थी, इसमें यहाँ पर दिख रही थी वही लाइनिंग सेम इसमें। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अभी हम मशीन को कस रहे हैं सारा, उसके बाद अभी हम फिर करते हैं उसके बाद कैलिब्रेशन।